नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ ओरियो बिस्किट का केक। ये केक बहुत जल्दी से बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये देखिए, ओरियो बिस्किट का केक कितना बढ़िया दिख रहा है, देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट है और बहुत ही स्पंजी भी है। और ये केक बच्चों बड़ों सभी को पसंद आता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैंने ओरियो बिस्किट का केक बनाया है। ओरियो बिस्किट का केक बनाने के लिए देखिए, मैंने ओरियो बिस्किट को छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उसके बाद में इसका फाइन चूरा बना लिया है। और यहाँ पे दूध लिया हुआ है, रूम टेम्परेचर पे दूध है, तो ये ज़रूरत के अनुसार हम यूज़ करेंगे। और क्योंकि बिस्कुट मीठा होता है तो मैंने लगभग 2 से 3 चम्मच यहाँ पर पिसी हुई चीनी का पाउडर लिया हुआ है, तो आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हो। और 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया हुआ, और 1/4 चम्मच से भी कम मैंने यहाँ बेकिंग सोडा लिया हुआ है। और फ्लेवर के लिए मैं इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ, आपको जो एसेंस पसंद है वो डाल सकते हो। तो ये देखिए, बाउल में तो मैंने लिया हुआ है बिस्कुट का चूरा, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी पिसी हुई चीनी का पाउडर, साथ ही डाल दूंगी बेकिंग पाउडर 1/2 चम्मच लिया हुआ है मैंने, और 1/4 से भी कम लिया है मैंने, 1/8 चम्मच है ये बेकिंग सोडा। और सूखी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, चाहे तो आप छान भी सकते हो। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये केक बहुत ही टेस्टी लगता है, जल्दी से बन भी जाता है, और बिस्कुट के कारण इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जब भी आपको जल्दी से केक खाना है तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, जल्दी से तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, सूखी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, तो अब मैं दूध डालूंगी इसमें, और बढ़िया मलाई वाला दूध है ये, तो ज़रूरत के अनुसार यूज़ करेंगे हम। ये ध्यान रखना है कि ना दूध गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर चाहिए। तो अब मैं इसमें वनीला एसेंस भी डाल देती हूँ। लगभग 1/2 चम्मच के करीब डाला है मैंने, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। तो ये देखिए, हमारा बिस्कुट का केक बनाने के लिए बैटर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हो बहुत ही स्मूथ सा हमारा बैटर तैयार हुआ है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया बैटर तैयार हुआ है। और यहाँ पर मैंने केक टिन लिया हुआ है, तो इसको मैंने ग्रीस कर दिया है पहले, उसके बाद मैंने बटर पेपर लगाया और उसके ऊपर भी घी लगा दिया है। तो अब मैं ये बैटर जो है इसमें डाल दूंगी, और मैं ये कढ़ाई में केक बना रही हूँ तो उसको मैंने गर्म करने के लिए भी रख दिया है। तो ये देखिए, बैटर कितना बढ़िया बना है, इसमें डाल देती हूँ। तो ये देखिए, अब मैं थोड़ा सा टैप कर देती हूँ, तो अब मैं इसे रख देती हूँ कढ़ाई में। तो ये देखिए, यहाँ पे पुराना ऐसा पैन है, इसमें मैं केक बनाती हूँ, तो इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था 5 मिनट पहले, तो अच्छी तरह से गर्म हो गया। नीचे एक स्टैंड रखा हुआ है, तो अब मैं ये केक टिन रख दूंगी, ये देखिए। और नीचे कुछ भी नहीं रखा हुआ है, ना नमक रखा है, ना रेत, आराम से ऐसे ही बन जाता है। तो अब मैं इसे ढक दूंगी, और केक को बनने में लगभग 30 से 40 मिनट लग जाता है, लेकिन 20 से 25 मिनट में हम चेक कर लेंगे, क्योंकि केक का साइज जितना हमारे क्वांटिटी होती है तो उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है कि केक कितनी जल्दी बनता है या देर से बनता है। तो बस धीमी आंच पे पकने देंगे हम, 20 मिनट में फिर चेक करेंगे। तो ये देखिए, लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हो केक हमारा, मैंने बाहर से ही देखा कितना बढ़िया फूल चुका है, और 20 मिनट में ही ये देखिए तैयार हो चुका है। क्योंकि बिस्कुट का जो है अमाउंट भी कम था, और फ्लेम के ऊपर भी होता है कितनी हीट में ये पक रहा है, तो ये बहुत जल्दी से हो गया। और ये देखिए, किनारे भी छूट चुके हैं, और मैंने टूथपिक से चेक भी कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए टूथपिक क्लीन आ रही है, केक हमारा बढ़िया पक चुका है। तो 2 मिनट के लिए मैं इसे मैं रहने देती हूँ ढक करके, उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी, और ठंडा होने के बाद मैं इसे डीमोल्ड करूँगी। तो ये देखिए, हमारा ओरियो बिस्किट का चॉकलेट केक पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, और इसे किनारे से भी अलग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए, किनारे से छूट चुका है ये, और मैं आपको दिखाती हूँ इसे डीमोल्ड करके, तो ये आसानी से निकल भी रहा है, ये देखिए। और हमने इसमें बटर पेपर लगाया था, तो कितने अच्छे से निकल चुका है, मतलब बहुत ही आसानी से इसने केक टिन को छोड़ दिया है, ये देखिए। तो अब मैं बटर पेपर को निकाल लेती हूँ। ये देखिए,
बहुत ही बढ़िया हमारा सॉफ्ट, आप देख सकते हो ये देखिए कितना प्यारा बना है, कितना सॉफ्ट है, ये देखिए कितनी जल्दी से हमारा केक बन गया। और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, तो अब मैं इसे रख देती हूँ, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है। तो अब मैं आपको ओरियो बिस्कुट का केक को कट करके दिखाती हूँ, ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसे कट करती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बना है ये देखिए बहुत ही स्मूथ है। ये देखिए आप देख सकते हो कितना प्यारा दिख रहा है ये, देखिए ओरियो बिस्किट का जो केक है कितना बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही सॉफ्ट है, स्पंजी है। सबसे अच्छी बात है कि जल्दी से ये बन भी जाता है। अगर आपको मेरे केक की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।